उद्धव ठाकरेंसोबत विश्वासघात झाला असं वक्तव्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यांनी केलेलं आहे। उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होईपर्यंत जनतेच्या मनात दुःख आहे असं देखील शंकराचार्यांनी म्हटलंय। मातोश्रीवर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरांचं ठाकरेंकडून पादुका पूजन करण्यात आलं। त्यांच्या निमंत्रणानंतर मातोश्रीवर आलो, त्यांनी माझं स्वागत केलं असंही शंकराचार्यांनी सांगितलंय। कुणाचं हिंदुत्व खरं हे समजून घेणं घ्यावं लागेल, पण जो विश्वासघात करतो तो कधी हिंदुत्ववादी नसतो, जो विश्वासघात सहन करतो तो हिंदू जनतेचा सुद्धा अपमान करण्यात आलेला आहे, जनमताचा अनादर करणं हे चुकीचं आहे, अशी देखील प्रतिक्रिया त्यांनी दिली। जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है, तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है।